फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ बहुत ही स्पेशल रेसिपी के साथ, शीर कोरमा। तो आज हम बनाएंगे शीर कोरमा। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बनाने से पहले आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। तो आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो फ्रेंड्स। तो आइए, हमारी कल ईद है तो हम इन्जॉय करते हैं। आपको मैं शीर कोरमा बहुत ही इजीली बन जाता है। तो आइए हम देखते हैं शीर कोरमा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सो फ्रेंड्स, ये मैंने सिवैयें ली हैं ब्राउन, और आप चाहें तो इस वाइट सिवैयें भी ले सकते हैं, बट ब्राउन का थोड़ा देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो यहाँ मैंने एक कटोरी कंडेंस्ड मिल्क लिया है। कंडेंस्ड मिल्क ना हो फ्रेंड्स आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। बट क्या होता है कि कंडेंस्ड मिल्क से एक बहुत ही क्रीमी सा इफ़ेक्ट देता है शीर कोरमे में। और ये मैंने एक 1 टीस्पून ये मैंने चिरौंजी ली है, और ये मैंने हाफ कटोरी मैंने देसी घी लिया है, और ये मैंने कुछ मखाने लिए हैं जो कि भंगार में हमारे जाने वाले हैं, जिसको कि देसी घी का हमारा भंगार लगेगा। ये मैंने पिस्ताशू लिए हैं, इसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। यहाँ मैंने ये सूखे जो छुआरे होते हैं ये लिए हैं। तो आप देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने 6 से 7 घंटे पानी में भिगो दिया था, उसके बाद ये बहुत ही इजीली कट हो जाते हैं। बहुत से लोगों को क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत ही दिक्कत से ये कट होते हैं, बट आप इसे 6 से 7 घंटे तक पानी में भिगो कर रखेंगे, उसके बाद आप कट करेंगे तो ये बहुत ही इजीली कट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ये काजू लिए हैं 1/2 कटोरी, यहाँ मैंने 1/2 कटोरी ये नारियल लिया है जिसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये मैंने बादाम लिया है 1/2 कटोरी भरकर, ये भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, और यह मैंने किशमिश लिए, और यहाँ मैंने 1 किलो दूध लिया है। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स कि इसे बनाना कैसे है। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस पर सब्सक्राइब लिखा है, आप उसे क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आप एक बराबर में घंटी जैसा आइकन आएगा, आप उसे भी प्रेस करें। प्रेस करने के बाद एक नोटिफिकेशन खुलेगी, आप उस पर मार्क करके और सेव का बटन क्लिक करें। फायदा ये होगा कि हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी आपको उसकी इंटीमेशन मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, तो हमें बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, दूध हमने ये गैस पर रख दिया है और हम इसका फ्लेम ऑन करते हैं। तो इसे हम फ्रेंड्स बॉइलिंग आने तक इसे हम रख देते हैं। तो जब तक हम अपने और चीज़ों की तरफ चलते हैं, ड्राई फ्रूट से हमें हम उन्हें क्या करना है, हमें रोस्ट करना है। तो हमें इसे क्या करना है कि इसको हम बॉइलिंग आने देते हैं, हम इसकी बॉइलिंग जब तक आने देते हैं थोड़ा ये गाढ़ेपन पर आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर दूध बॉइल हो रहा है, तो हम इसको बॉइलिंग आने देते हैं। तब तक हम चलते हैं अपने इस ड्राई फ्रूट की तरफ, जो कि हमें इन्हें हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने तक। तो फ्रेंड्स, हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा देसी घी है हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेल्ट हो गया है देसी घी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, अपने ये जो पिस्ताशू है हमारे, ये हम इसमें डालते हैं, और ये गए हमारे इसमें काजू, ये इसमें हम डालते हैं, और ये सॉरी हमारे वो बादाम, और ये हमने डाले हैं काजू। तो हम फ्रेंड्स इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने तक भूनेंगे, और ये बिल्कुल भी चलने नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए, और इसमें अच्छी खुशबू आने तक हम इसे अच्छे से फ्राई करते रहेंगे, और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो पर रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छे से, और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये निकाल लिए हैं, तो अब हम इसके बाद डालेंगे अपने ये जो हमारे छुआरे थे ड्राई, तो ये इसमें डालते हैं, और जाएगी हमारी इसमें किशमिश, और
और जाएंगे हमारे इसमें ये नारियल। तो हम इन सभी को भी बहुत ही अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको आपका इसमें देसी घी कम हो जाए, बादाम, काजू और हमारे जो पिस्ताशू थे वो निकालने के बाद, तो आप इसमें घी और ऐड कर सकते हैं। ये जितना ज़्यादा देसी घी में बना होगा ये उतना ज़्यादा शीरकुरमा अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो ये देखिए, अब मैंने इसमें ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं, तो अब ये इसको भी हम हल्के से रोस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने नारियल, अपने छुआरे और ये जो हमारे किशमिश थे ये सभी अच्छे से हमने फ्राई कर लिए हैं। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो हम इसे भी घी से निकाल कर साइड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सभी ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए हैं, तो हमारे ये मखाने बचे हैं, तो हम इसे हल्का सा गोल्डन होने देंगे, जो बहुत ही खूबसूरत सा कलर आने देते हैं। उसके बाद हम इसे भी साइड कर लेंगे, क्योंकि ये हमें गार्निश के लिए चाहिए। इसे हमें दूध में नहीं डालना, क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाते हैं। गार्निशिंग में डालने के बाद आप इसे ऊपर से डालकर देंगे तो ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, शीरकुरमे में। तो हम इसे गोल्डन ब्राउन होने देते हैं हल्के से। तो ये हल्के से रोस्ट हो गए हैं, तो जैसे ही हल्के ये रोस्ट होंगे तो हमें बिल्कुल हल्का सा चिरौंजी को अपनी हल्का सा रोस्ट करना है और फ्लेम ऑफ कर देना है, और तभी हमें इसे बाहर साइड कर लेते हैं। इधर ही तो हम इसे साइड कर लेते हैं। घी भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घी तो आपको मैंने बताया है कि शीरकुरमे में जितना ज़्यादा देसी घी होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो दूध हम देख लेते हैं, ये हल्का सा गाढ़ेपन पर आ गया है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड, सबसे पहले जो हमने थोड़ी हार्ड चीज़ें होती हैं, जो कि छुआरे, गोला, किशमिश, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे दूध में ही ऐड कर देते हैं। ये देखिए, तो क्या होगा, जैसे जैसे ये दूध हमारा बॉइलिंग होता रहेगा और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे उसी के साथ साथ, तो हमें खाने में जब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल हार्ड नहीं होंगे और खाने में भी सॉफ्ट होंगे। तो जब तक हम इसको बॉइलिंग होने देते हैं, थोड़ा सा गाढ़ेपन पर और आने देते हैं। तो यहाँ पर हमने अब क्या करना है कि वो दूध हमारा बॉइलिंग हो रहा है, तो हम जब तक क्या करते हैं, अपनी जो हमारी सिवैयाँ हैं, तो जितना भी हमारा लास्ट में देसी घी बचता है, चाहे आपको कम लगे तो और भी आप ले सकते हैं। हमें अपनी सिवैयाँ को रोस्ट करना है, तो यहाँ ये मैल हो रहा है, तो हम तब क्या करते हैं, सिवैयाँ को हल्का सा, बिल्कुल क्या करते हैं, सिवैयाँ को हल्का सा तोड़ लेते हैं। साइज की भी होंगी तो ये पकने में भी अच्छी हो जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हम ये इसमें हल्के हल्के इसे हमें रोस्ट करना होगा और जलना बिल्कुल नहीं चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो हमारी रेसिपी बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो इसे हम हल्के हाथों से इसे हम हिलाते रहेंगे और पलट पलट कर इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हल्का सा। दस मिनट से दूध बॉइल हो रहा है, तो ये हमारे जो छुआरे और जो गोला वाला हमारा ये सब था, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। और जो हमारे ये जो हमने बादाम, काजू, पिस्ताशू हमने जो फ्राई करके रखे थे, तो अब हम ये इसमें ऐड कर सकते हैं। ये इसमें तो इधर हमारी जो हमने सिवैयाँ थी ये भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर ली हैं, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए ये कुछ ऐसा कलर आना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी ब्राउन हुई है, बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। तो क्या करना है, मैं डायरेक्ट ही इसे उठाकर और इसमें ऐड कर दूँगी घी, जितना भी सब इसमें बचा हुआ है तो इसे ऐड कर देंगे घी इसमें। अब हम इसे करते हैं अच्छे से मिक्स। तो इसी के साथ जाता है हमारा ये कंडेंस्ड मिल्क, मैंने आपको बताया था। मैं आपको इसे अगली रेसिपी में ज़रूर आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। तो ये हमारा गया इसमें कंडेंस्ड मिल्क। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि कंडेंस्ड मिल्क आपके पास ना हो तो आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको जितना मीठा पसंद हो आप उतना यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो
तो मैंने एक कटोरी भरकर कंडेंस मिल्क लिया है। कंडेंस मिल्क से मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि क्या होता है, बहुत ही क्रीमी इफेक्ट देता है शिरपरमे में। देखिए अब हमें फ्रेंड्स इसे अच्छे से पकाना है, सिवैयाँ हमारी ये सॉफ्ट हो जानी चाहिए। तो अब हम इसे छोड़ते हैं 10 मिनट के लिए और इसे ढकना बिल्कुल नहीं है, इसे खोल कर ही पकाएं फ्रेंड्स। और आप इसमें बीच बीच में चम्मच चलाते रहें क्योंकि दूध जलने का डर रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये एकदम रेडी हो गई है, मैंने इसके फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा गाढ़ेपन पर आ गया है। ये बहुत ही जो हमने कंडेंस्ड मिल्क इसमें यूज़ किया है वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है इसमें, एकदम क्रीमी सा आप खाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, लास्ट में जो हमारे मखाने थे और जो चिरौंजी थे तो अब हम इसे इसमें ऐड कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये गार्निशिंग के लिए होते हैं, तो ये गए इसके अंदर और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए ये मिक्स हो गए हैं, तो ये हमारी शीरकुरमा बनकर रेडी है। तो मैं यहाँ पे इस आपको इसे अब डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारा शीरकुरमा बनकर रेडी है, तो अब हम इसे करते हैं गार्निश, जो कि मैंने आपको दिखाए थे मैंने रोस्ट कर रखे थे, मैंने उसमें से कुछ बचा लिए थे। तो ये देखिए इसे मैंने ये इसमें डाल दिया है और ये हल्के से ये मैंने पिस्ताशू भी इसमें कट करके डाल दिया। तो ये हमारा शीरकुरमा बनकर तैयार है और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ईद की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। हमारी रेसिपी को फॉलो करें, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अलविदा, बाय।